नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। आज हम लोग बातचीत करेंगे बीएसपी के बारे में, यानी कि मायावती जी के बारे में। मायावती जी को पहली बार इतना गुस्सा आया है। अब सवाल ये है कि आखिर उन्हें गुस्सा क्यों आया, सवाल ये भी है कि उन्हें गुस्सा किस पर आया है। उस पार्टी पे गुस्सा आया है जो आज से ठीक कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले जो है वो कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं बीएसपी से हो सकता है। वो अंदरूनी एक मसला था, लोग आरोप लगा रहे थे, लोग अपने मन में सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन जब से बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी में हमला बोलना शुरू किया है, ब्राह्मणों के लिए सम्मेलन करना शुरू किया है, तब से अब लोगों को थोड़ा सा लग रहा है कि ये एक अलग रणनीति अपना रही हैं, अलग प्लानिंग बना रही हैं 2022 के चुनाव के लिए। अब सवाल ये है कि आखिर इन्हें गुस्सा क्यों आया। इन्हें गुस्सा इसलिए आया है भारतीय जनता पार्टी पे क्योंकि जब से वो सम्मेलन करना शुरू किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने उन पर आरोप लगाया कि ये जो पैतरा है, ये जो रणनीति है, ये बहुत पुराना हो चुका है, इससे जनता के दिल को आप नहीं जीत पाएंगे। और वो इसलिए क्योंकि 2017 में योगी सरकार ने कहा कि जिस तरह से हमने जनता के लिए काम किया, जनता के विश्वास पे हमने कायम रहा है, इस तरह की जनता को तोड़ना बहुत मुश्किल है। इस वजह से खास करके मायावती को गुस्सा आया है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी उन पर हमला क्यों कर रही है, वो जो रणनीति बना रहे हैं उसे नकार क्यों रहे हैं। और खास करके उन्होंने महिला की सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी पे गुस्सा किया है, योगी सरकार पे गुस्सा किया। महिलाएं आज यूपी में महफूज नहीं है, इस वजह से उन्होंने गुस्सा किया। लेकिन सवाल ये भी है कि पार्टी, एक पार्टी दूसरे पार्टी पे आरोप प्रत्यारोप लगाते ही है तब जब देश के किसी भी राज्य में चुनाव आते हैं, तो ऐसे में कौन पार्टी किस पे भारी पड़ेगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन वही मायावती की अगर बात कर लें, उनके सरकार में बात कर लें, जिस तरह से उनकी सरकार में उनका जो है प्रदर्शन था शानदार था, 2006 सीटें लाई थी, उनमें सबसे ज़्यादा अगर बात करें ब्राह्मणों का जो अभी उन्होंने सम्मेलन शुरू किया है, 56 उम्मीदवारों को उन्होंने खड़ा किया था जिसमें से 41 विधायक उनके बन के आए थे, तो ऐसे में तमाम पार्टियों की जो निगाहें हैं वो कहीं ना कहीं जो है जातिवाद पे है, जाति वोटरों पे है। और यही वजह है कि सपा, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी, ये तमाम लोग जाति वोटरों के लिए तैयारियां शुरू कर दी। इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से नई मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ था तो आप जानते हैं कि किस तरह से ओबीसी को जगह दिया गया था और उसी के बेस पर किस तरह से वोट को लुभाने की कोशिश की गई थी, अब वो अभी भी जारी है। तो मायावती को गुस्सा इसलिए आया कि आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाएं महफूज नहीं है, और उसके बावजूद योगी सरकार जो है ढिंढोरा पीट रही है कि कहीं ना कहीं योगी सरकार कानून व्यवस्था में सबसे अच्छा काम किया। वो लोगों को बता रहे हैं कि वो अच्छा काम किया, युवाओं को रोजगार दिया है, कहीं ना कहीं अपराधों को कम किया है, कानून व्यवस्था को मजबूत किया है। और यही वजह है कि जब ग्राउंड रिपोर्ट पे जाते हैं, जब आप जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं तो लोगों की राय, लोगों की ओपिनियन अलग आते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि योगी सरकार की चुनौतियां, योगी सरकार की दावे क्या विपक्ष तक ही रह जाएगा या सही में अगर उन्होंने काम किया है तो 2022 में फिर से उन्हें मौका मिल सकता है। मायावती की जो तैयारी है, जो विपक्ष की जो तैयारी है, जो बीएसपी की खास करके तैयारी है, क्योंकि उन्होंने पहले कहा किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, तो देखना होगा कि इनका जो अंदरूनी रणनीति चल रहा है वो कितना भारतीय जनता पार्टी पे इम्पैक्ट डाल सकता है, असर डाल सकता है। और क्या वाकई में अभी तो 6 महीने बाकी हैं इलेक्शन में, क्या आने वाले वक्त में क्या रुख बदलता है, क्या लोगों की रणनीति बदलती है, क्या कोई पार्टी किसी के साथ आएगा, इस पे भी लोगों की नजरें हैं। अब देखना ये होगा कि मायावती की इस गुस्से से भारतीय जनता पार्टी पे कितना असर पड़ता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। नमस्कार।